अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ जी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से यानी कराची ज्वेलर एसोसिएशन में सोने की फी तोला और 10 ग्राम सोने की क्या कीमतें चल रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकूँ। तो वीडियो की तफसील में आगे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बता दें, ये सिर्फ अभी तक पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के सिर्फ अभी तक गोल्ड यानी सोने के ताज़ा तरीन रेट्स हैं। आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं अभी मार्केटें चल रही है, बाद में कितना इजाफा कितनी कमी, ये आपको सुबह इसी चैनल पे 8:30 पे गोल्ड यानी सोने के ताज़ा तरीन रेट्स के साथ अपडेट्स मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड यानी सोने के क्या ताज़ा तरीन रेट्स चल रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज एक ही दिन में यानी अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में पूरे 25 अमेरिकी डॉलर का ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 25 अमेरिकी डॉलर इजाफे के साथ आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की फी ऑन्स कीमत 1820 अमेरिकी डॉलर की सतह पर पहुंच चुकी है। दोस्तों इसी के साथ आज जानेंगे पाकिस्तान में किस कैरेट में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान में 18 कैरेट पर तोला की 78,450 रुपये, 18 कैरेट 10 ग्राम की 67,260 रुपये, 18 कैरेट पर ग्राम की 6,726 रुपये, 21 कैरेट पर तोला की 91,525 रुपये, 21 कैरेट 10 ग्राम की 78,470 रुपये, 21 कैरेट पर ग्राम की 7,847 रुपये, 22 कैरेट पर तोला की 95,883 रुपये, 22 कैरेट 10 ग्राम की 82,206 रुपये, 22 कैरेट पर ग्राम की 8,221 रुपये। आखिर में बात करेंगे 24 कैरेट पर तोला की 1,04,600 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,04,600 रुपये 24 कैरेट 10 ग्राम की 89,680 रुपये, 24 कैरेट पर ग्राम की 8,968 रुपये। दोस्तों ये तो थे सिर्फ अभी तक पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के अभी तक गोल्ड यानी सोने के ताज़ा रेट, बाद में इजाफा या कमी, ये बाद में अपडेट्स मिल जाएगी।